अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ यखनी वाला चिकन पुलाव। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में 3 कप राइस लिए और अच्छे तरीके से धो के भिगो दिए। पैन में थोड़ा सा लहसुन ऐड किया, थोड़ी दालचीनी, 5-6 लौंग, 2 बड़ी इलायची और 750 ग्राम चिकन, 3.5 कप पानी ऐड किया और 1 खाने का चम्मच नमक ऐड किया। फ्लेम हाई कर दिया। अब मैं कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं, यखनी तैयार हो चुकी है। अब मैं बोटियां निकाल के साइड पे कर लूंगी। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना कि चिकन इधर ही टूटना शुरू हो जाए। इस यखनी को छान के बाद में ऐड करूंगी। 1/4 कप ऑयल लिया, 1 बड़ी साइज़ की प्याज ऐड की। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, मुझे ब्राउन कलर का पुलाव नहीं बनाना। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लहसुन अदरक ऐड की, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और 2 तेज़पत्ते, 2 बड़ी इलायची ऐड की, बॉइल्ड चिकन ऐड किया, 1/2 कप दही ऐड किया, 1/2 खाने के चम्मच काली मिर्च, 1/2 खाने के चम्मच धड़ा मिर्च, 1 खाने का चम्मच नमक। 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक किया। तीन कप यखनी ऐड की। अगर आपके पास यखनी कम रह जाए तो थोड़ा पानी ऐड कर लें। हाई फ्लेम पे कुक किया कवर करके। उबाल आने पे राइस ऐड किए। 4-5 सब्ज़ मिर्चें ऐड की, थोड़ा हिला के कवर कर दिया। हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट पकने के बाद पानी खुश्क हो चुका है, देखें। लो फ्लेम पे 7-8 मिनट के लिए दम लगाया, देखें। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त यखनी पुलाव, बहुत ही कोई मज़े की खुशबू आ रही है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।